नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो ये थंबनेल देखकर आज आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कुछ शेयरों को लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों की एक बेस्ट सीरीज़ है। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले फटाफट से आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए। लाइक एम टारगेट रखेंगे हम 3,000 लाइक्स का, तो फटाफट से आप लाइक बटन दबा दीजिए। मैं आपके लिए दो ऐसे शेयर की बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर गाइस, जो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा गेन देते हुए देख सकते हैं। और अगर मार्केट और भी क्रैश होती है, वो दोनों लेवल इससे ज़्यादा और नहीं गिरने चाहिए। गिरेंगे तो बहुत ही कम, बट भागेंगे तो रॉकेट की तरह। तो ये सबसे पहले अभी आप लोगों के लिए मैं स्टॉक लेकर आया हूँ, एक स्टॉक जो लगभग 2800 के आसपास कर रहा है ट्रेड, और इंडियन मार्केट की एक बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियों में ये शुमार है। तो इस कमेंट सेक्शन में पहले स्टॉक का नाम आप लोग प्रिडिक्ट करो कि कौन सा स्टॉक है। बट आपको इसका नाम तो मैं बताऊंगा ही, बट उससे पहले आप लोग इसके टारगेट भी जान लो। गाइस, सबसे पहले अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं देख रहा हूँ मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पर ये स्टॉक इस टाइप से कुछ एक पैटर्न बना रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल से इसमें 4100 या 4200 के लेवल से गिरावट आई है। ठीक है गाइस, तो अभी ये स्टॉक आपको ओवरऑल बोल सकते हो काफ़ी चीप मिल रहा है, और इसके जो अपकमिंग टारगेट हैं यहाँ से 3000 से 3300 शॉर्ट टर्म के अंदर आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। तो गाइज, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो या फास्ट ट्रेडर, तो इसको लेकर छोड़ सकते हो, रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा नज़र आएगा। गाइज, अभी आप लोग इस कंपनी के फंडामेंटल पर आओगे तो कंपनी काफ़ी पुरानी है, और इसका अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटल लगभग 37,804 करोड़ का है। बट थोड़ा सा भी इसका स्टॉक भी अभी भी ज़्यादा दिखा रहा है, बट कोई भी दिक्कत नहीं है गाइज। अगर आपको ये स्टॉक अपने एनालिसिस के हिसाब से देख लेना सही लगता है, तो आप लोग ऐड भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर भी। तो गाइज, स्टॉक का नाम है हमारा जुवल फूड। आप में से सब लोग इस स्टॉक के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि कंपनी कितनी रेपुटेशन इस कंपनी की अच्छी और कितनी लार्जेस्ट कंपनी है। तो गाइज, पहला इसका टारगेट लगभग मैं लगा चुका हूँ 3300 से 3000, ये इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट है। ये निकालेगा तब स्टॉक एक 4000 तक की रैली दिखा देगा, और ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है 2500 के आसपास। गाइज, मिलती है बाइंग अगेन करना, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है कि लॉन्ग टर्म में 5 से 10 हज़ार तक का जाने का दम रखता है। तो गाइज, ये स्टॉक एक ऐसा है जो आपको कभी भी अपने पोर्टफोलियो से आउट नहीं करना चाहिए। गाइज, अब आप लोग इस कंपनी के नेट प्रॉफिट पर आओगे तो देखोगे ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी बड़ा है, और कंपनी अपने आप में मोनोपोली है। जुबल फूड आप लोग सभी जानते हो कि कंपनी का क्या गजब का काम है। तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं हम अपने सेकंड स्टॉक के बारे में। तो अभी तक अगर स्ट्रीम को आप वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब भी करना। तो मैं सेकंड स्टॉक है, लगभग एक पेन ही बोल सकते हो कि एक सस्ता सा है, 32 रुपये के आसपास का। अब गाइज, ये क्या कर रहा है, काफ़ी महीने साल से एक रेंज के अंदर कर रहा है कॉन्सोलिडेट, 25 से लगभग 33 के बीच। तो गाइज, अभी क्या हो रहा है, ये पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक है, और पेपर इंडस्ट्री एक बुलिश मोड पर आ चुकी है। क्योंकि अगर आप लोग साइकोलॉजिकल तरीके से सोचोगे तो अब स्कूल कॉलेजेस उसी रफ्तार में खुलने वाले हैं, तो इसका सीधा सीधा प्लस पॉइंट जाएगा पेपर इंडस्ट्री के ऊपर। और पेपर आप लोग जानते हो, हर छोटे से लेकर बड़े पेपर हर जगह यूज़ होता है, कॉपी पेन पेंसिल। तो गाइस, बताने की ज़रूरत नहीं, इसी से समझ गए होगे क्या समझा रहा हूँ। तो इस स्टॉक का टारगेट बहुत बड़ा है यहाँ से, लगभग मेरा पहला टारगेट 40 के आसपास का है, सेकंड टारगेट 50, और मैं थर्ड टारगेट रखूँगा इसको यहाँ से डबल का, 60 से 70 तक का, 100% तक का, कुछ महीनों के अंदर या साल के अंदर। बट गाइस, इसके अंदर एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, तो आप लोग पूरा वीडियो आगे तक और देखो। गाइस, इसका नेट प्रॉफिट, बस अभी थोड़ा सा एक ये चिंता की बात बोल सकते हो कि ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट अभी ऐसा ही चलता है, प्रॉफिट करती है हल्का सा, फिर लॉस बुक कर लेती है कंपनी। तो गाइस, अपने हिसाब से एक बार रिसर्च ज़रूर करना, ये कोई टिप नहीं है, जस्ट मेरी एनालिसिस है। मुझे लगता है यहाँ से भी स्टॉक अभी रॉकेट बन सकता है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो गाइस, स्टॉक का नाम है ओरिएंट पेपर, आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे स्टॉक के बारे में। ओरिएंट पेपर पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक है, वॉल्यूम भी काफ़ी भयंकर अभी इसमें देखने को मिला है। तो गाइस, अगर आपको ये 30 से लेकर 32 की रेंज में मिलता है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के और शॉर्ट टर्म के अंदर ऐड कर सकते हो। और गाइस, इसके प्रमोटर होल्डिंग थोड़े से कम है, लगभग 39% के, पब्लिक के स्टेक थोड़े ज़्यादा है, और DII का भी इसमें काफ़ी एक ह्यूज माल है, आप लोग बोल सकते हो 10% के आसपास का। तो होप गाइस, आपको ये दोनों स्टॉक काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।